कि राहुल गांधी जी ने नीतीश कुमार जी को संयोजक नहीं बनाकर और ममता दीदी पर आरोप लगाकर नीतीश कुमार जी के साथ खेला कर दिया। देखिए, बिहार या देश चाहता है कि राहुल गांधी माफी यात्रा शुरू करे, क्योंकि कांग्रेस ने यदि मंडल कमीशन 80 में लागू किया होता तो आज सभी सेक्रेटरी 50% से अधिक सेक्रेटरी ओबीसी वर्ग से होते। कि बिहार की राजनीति स्पष्ट है, 2024 में इंडी गठबंधन, पिछले बार राजद का खाता नहीं खुला था, माले का नहीं खुला था, गलती से कांग्रेस पार्टी एक खाता खोली थी, इस बार कांग्रेस का भी खाता नहीं खुलेगा, जदयू का भी नहीं खुलेगा, राजद का भी। नौकरी तो बालू माफियाओं का मिला, शराब माफियाओं को मिला, जमीन माफिया है, यही है नौकरी बिहार के रोजगारों नौजवानों के लिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सिजल आपके साथ। बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बिहार के सभी समाजवादी नेताओं का राजनीतिक करियर समाप्त करने की ओर बढ़ा है। पहले उन्होंने लालू प्रसाद पर केस कर उन्हें जेल भिजवा कर उनका राजनीतिक भविष्य समाप्त किया और फिर कल नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाकर उनके साथ खेला कर दिया। इसके साथ साथ वह बिहार में रोजगार के मुद्दे पर राहुल गांधी के न्याय यात्रा पर भी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुनिए। देखिए, दो चीज बड़ा स्पष्ट है, लालू प्रसाद जी के साथ कांग्रेस पार्टी के युवराज ने पहले ऑर्डिनेंस फाड़कर उनको जेल में सड़वाया और राजनीतिक सफर समाप्त करा दिया, और कल जिस तरह की घटना घटी उससे स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी जी ने नीतीश कुमार जी को संयोजक नहीं बनाकर और ममता दीदी पर आरोप लगाकर नीतीश कुमार जी के साथ खेला कर दिया। तो यह कांग्रेस पार्टी बिहार के समाजवादियों के साथ अन्याय करते रही है, और देश में भी आपको याद होगा, चौधरी चरण सिंह जी हो, चंद्रशेखर सिंह जी हो, यूनाइटेड फ्रंट की सरकारें हो, सबके समाजवादियों को के साथ सरकार के साथ खेला करने का काम कांग्रेस का रहा है। इसलिए आज पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस बिहार के किसी नेता को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, तो बिहार, देखिए, बिहार या देश चाहता है कि राहुल गांधी माफी यात्रा शुरू करे। उनके परदादा, उनकी दादी, उनके पिताजी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, और आज यदि ओबीसी वर्ग के मात्र 3 भारत सरकार में सेक्रेटरी हैं तो इसका पाप भी कांग्रेस पार्टी को ही सहना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने यदि मंडल कमीशन 80 में लागू किया होता तो आज सभी सेक्रेटरी 50% से अधिक सेक्रेटरी ओबीसी वर्ग से होते। तो यह स्पष्ट है, इस देश के विकास के बाधक कांग्रेस पार्टी है, गरीबों पिछड़ों के बाधक कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, ये स्पष्ट हो गया है। अब देखिए, लालू जी भोज कर रहे हैं, वो भी हमको लगता है पहली बार कर रहे होंगे, प्रत्येक बार करते नहीं है, खिला रहे होंगे। अच्छा, एक सवाल और है, नीतीश कुमार को लेकर आपने कहा कि उनके साथ खेला हो गया है, आपके पुराने साथी भी रहे हैं, अगर कदम आगे बढ़ाते तो हाथ थामेंगे। बिहार की राजनीति स्पष्ट है, 2024 में इंडी गठबंधन, पिछले बार राजद का खाता नहीं खुला था, माले का नहीं खुला था, गलती से कांग्रेस पार्टी एक खाता खोली थी, इस बार कांग्रेस का भी खाता नहीं खुलेगा, जदयू का भी नहीं खुलेगा, राजद का भी। नौकरी के नाम पर जदयू ने हमला बोला है, क्या है सर? नौकरी के नाम पर क्रेडिट लेने के नाम पर सर जदयू ने नौकरी नौकरी तो बालू माफियाओं का मिला, शराब माफियाओं को मिला, जमीन माफिया है, यही है नौकरी बिहार के रोजगारों नौजवानों के लिए। और जहां तक आप बोल रहे हैं, 1,75,000 जो नौकरी एनडीए सरकार ने घोषित किया था वही अभी तक भर्ती नहीं हो पाया। तो जैसा कि आपने सुना किस तरह से सम्राट चौधरी कांग्रेस पर खूब बरसे हैं और कहा कि
राहुल गांधी को न्याय यात्रा की बजाय माफी यात्रा निकालनी चाहिए। इसके साथ साथ रोजगार के मुद्दे पर भी कहा कि बिहार में सिर्फ शराब माफियाओं को रोजगार मिला है। और क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी ने आपने सुना। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।